हेलो दोस्तों, अभी हम दो बहुत बड़े दिग्गज स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके पीछे तकरीबन सभी लोग हैं, मतलब सब लोग खरीदना ही चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि वो स्टॉक का प्राइस इतना ज़्यादा गिर चुका है कि अब वो इतना ऊपर जा सकता है कि जी आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्टॉक का प्राइस नीचे ही जा रहा है दोस्तों। वो स्टॉक है, एक है दोस्तों बजाज फाइनेंस, फिनसर, दोनों एक ही साथ है। आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो स्टॉक है ये 10,000 के आसपास जाने वाला था, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक जो है बाई चांस दोस्तों 50% गिर चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हो 10,000 का लेवल ये टच करने वाला था, लेकिन ये जो है अब ऊपर जाने के बजाय दोस्तों नीचे आ चुका है। वो भी ये 4,000 के लेवल, फिर 5,000 के लेवल तोड़ के दोस्तों 4,000 के लेवल में आ चुका है। अब कुछ लोग ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये फिर से वापस आएगा? आएगा, लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी वजह है जो बिना चार्ट देखे मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है, डायरेक्ट सुनना है और समझना है दोस्तों। देखो, ये जो दोस्तों अभी जो जनता कर्फ्यू लगाई गई है, इसके वजह से लोगों के अंदर इतना बड़ा डर लग चुका है, इतना ज़्यादा डर है दोस्तों, जो लोग अभी सेविंग कर रहे हैं, ठीक है, सेविंग कर रहे हैं, एक्सपेंसेस करना छोड़ दिए, और जो दोस्तों एक्सपेंसेस कर भी रहे हैं तो वो बेसिक नीड पे कर रहे हैं, बेसिक नीड पे। अब क्या हो रहा है कि लोग दोस्तों खर्च करना छोड़ दिए हैं, तो इंडिया का फिजिकल डिफिसिट जो है वो नीचे आना स्टार्ट हो गया, इंडिया का इकोनॉमिक जो है वो भी नीचे आना स्टार्ट हो गया, इंडिया का ग्रोथ सब कुछ नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों ग्रोथ कैसे होगा? जब पैसे का लेन देन होगा तब कुछ जाके आगे हम कुछ कर सकेंगे, लेकिन पैसे का अगर लेन देन नहीं होगा दोस्तों, अगर हम घर में ही पैसा रखना स्टार्ट कर देंगे, बैंक में नहीं डालेंगे और ईएमआई भी नहीं भरेंगे, तो क्या आपको लगता है ये जो फाइनेंस जैसे स्टॉक है वो चलेंगे? नहीं चलेंगे। और गवर्नमेंट मेरे ख्याल से दोस्तों गवर्नमेंट ने बताया है कि 3 महीने तक ईएमआई देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मैं बोल रहा हूँ ये दोनों स्टॉक का प्राइस गिरेगा, बजाज फाइनेंस, फिनसर, दोनों का। और हाँ, कल ही मैंने एक वीडियो बनाया तो बोला था भाई चाहे जो भी हो आपको बजाज फाइनेंस नहीं खरीदना है, और बजाज फाइनेंस आज के डेट में यहाँ पर देख सकते हो लोएस्ट मारा है दोस्तों 2100 के आसपास, और जो हाईएस्ट गया 2300 के आसपास, और जब मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों 2250 रुपीज़ पर यह चल रहा था, ठीक है, 2250 रुपीज़ में। अगर हालात देख मार्केट बंद होने के बाद अगर हम देखते हैं तो दोस्तों स्टॉक जो है फाइनली जो है लोअर सर्किट में ही बंद हुआ। तो देखिए, इस वजह से स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर रहा है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर बता दिया गया है कि अभी 3 महीने तक ईएमआई देने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों सोर्स ऑफ इनकम जितना भी था सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। जब तक स्टॉक में या दोस्तों हमारे कंट्री में अगर अच्छा खासा दोस्तों अगर जैसे बिजनेस साइकिल पहले चल रही थी, अगर वैसे नहीं चलता है तो और भी भारी नुकसान आपको देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पर जो देख सकते हो दोस्तों, ये जो 50% का नेगेटिव रिटर्न है ये बहुत बड़ी रिटर्न है, अपने आप में एक बहुत बड़ी रिटर्न दिया है दोस्तों। नेगेटिव रिटर्न बहुत ख़राब है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टॉक अभी भी आपको ज़्यादा ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न देने का आपको दोस्तों हौसला रखता है, तो मेरे ख्याल से आपको नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना है भाई, नहीं खरीदना अभी भी। हाँ, एक चीज़ और बोलता हूँ, ठीक है, निफ्टी देखिए आज थोड़ा पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी चाहे जो भी, अगर कभी मार्केट बहुत ज़्यादा स्पीड रहा, मान लीजिए कि 6% या 4% 5-6% का अपर सर्किट लगा और दोनों में दोस्तों अच्छा खासा मान लीजिए 200-300% का अपर सर्किट आया, तो भी मत खरीदेगा, क्योंकि नुकसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए, बिजनेस नहीं चलेगा और स्टॉक में चलेगा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग ये भी बोलना चाहते हैं तो भाई खरीदना कब है, खरीदना कब है, ठीक है, अभी देखिए खरीदना कब है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, लॉकडाउन खत्म होने के बाद दोस्तों लोग आना जाना सब कुछ स्टार्ट कर देंगे और ट्रांजेक्शन भी करना स्टार्ट कर देंगे, तब लोग लोन भी लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों इतना जो टाइम है लॉकडाउन जो है 1 महीने का लॉकडाउन है, उसमें क्या है सभी लोगों का काम रुक चुका है। अब जैसे ही दोस्तों वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और हो सकता है कोरोना खत्म हो जाए, तो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ जो शेयर मार्केट था दोस्तों, ये स्टॉक का जो प्राइस था 10,000 डिजर्व करता है दोस्तों, वो धीरे धीरे फिर से आ जाएगा वापस, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही लॉकडाउन खुटेगा सब जो है लोन लेना स्टार्ट करेंगे, फिर वहां से जो ईएमआई स्टार्ट होगा वहां से वो दे सकते हैं। ईएमआई किसको नहीं देना है? जो पहले ले चुके हैं, क्योंकि अभी उनका क्या है दोस्तों सोर्स ऑफ इनकम और प्रॉफिट जनरेशन नहीं हो पा रहा, इसलिए तो अभी वो नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि इस अवस्था में नहीं दे सकते, लेकिन आगे जो लोन लेंगे उनको देना पड़ेगा, ठीक है, जब उनको देना पड़ेगा तो वो ईएमआई देंगे, ठीक है, तो बिजनेस चलेगी। तो ये जो समय है खराब चल रहा, आने वाले मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने में, 2 महीने के अंदर ये स्टॉक बाउंस बैक करना स्टार्ट कर देगा, तब
आप खरीदो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा भाई, खरीदो ठीक है। उस टाइम में आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर दोनों ठीक है। अब यहाँ देख लो 2200 का प्राइस है, यहाँ पर देख लो बजाज फिंसर का 4500 का प्राइस है। इतना खरीदना कि आपको फिर दोबारा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यही वो स्टॉक है दोस्तों जो आपको शेयर मार्केट को आगे बढ़ते में ठीक है, आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो दोनों स्टॉक को खरीदना करो ठीक है, जल्दी जाओ और बाई कर लो, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना है ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तब जाके आपको बहुत अच्छा से अच्छा प्रॉफिट मिलेगा ठीक है। लेकिन क्या करना है, वो समय आने के लिए 2 महीने तक हमें क्या करना, वेट करना है ठीक है। जब तक वेट नहीं करेंगे, पेशेंस नहीं रखेंगे, देखिए मार्केट तो में पैसा सभी लोग लाते हैं, लेकिन हमें पेशेंस और काबिलियत लाना पड़ता है, तब जाके हम अच्छा से अच्छा पैसा बना पाएंगे ठीक है। तो अब भी स्टॉक और गिरेगा तो अब भी नहीं खरीदना है, टाइम आएगा, सही टाइम आएगा तो वीडियो मैं फिर से अपलोड करूंगा, उसमें दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैंने येस्टरडे वीडियो अपलोड करके बताया कि आपको बजाज फाइनेंस नहीं खरीदना, और आज के डेट में भी गिरा ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में, जैसे ही कुछ इंप्रूवमेंट होता है तो मैं आपको अप टू डेट करते रहूंगा। तो मिलते हैं उसके लिए आने वाले अगले वीडियो में।